हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो कि नर्सिंग से रिलेटेड है। तो इसमें जो है हम कुछ डिजीज कंडीशन है और किस मतलब इस डिजीज़ की वजह से किस बॉडी पार्ट को जो है अफेक्ट होता है, इसमें मतलब कौन सी बॉडी पार्ट जो है अफेक्ट होती है इस डिजीज़ की वजह से। तो इसमें जो है जो मलेरिया है, अगर किसी पेशेंट को मतलब या किसी पर्सन को मलेरिया हो जाता है तो मलेरिया होने की वजह से जो है उसके लीवर को अफेक्ट पड़ेगा। और जैसे टाइफाइड है तो उसमें क्या है, हमारी इंटेस्टाइन जो है उसको अफेक्ट पड़ता है। एंड डायबिटीज़ में पेनक्रियाज को पड़ता है, ऑलरेडी ये सबको पता होगा। एंड डिप्थेरिया में जो है हमारे थ्रोट को जो है इफेक्ट पड़ता है, और जोंडिक में भी लीवर को पड़ता है। एंड रिकेट्स जो होता है इसमें बॉन पे कुछ इफेक्ट पड़ते हैं। और कैटारेक्ट ये आई डिजीज है जिसमें कि आई को इफेक्ट पड़ता है। एंड गॉइटर इसमें थायराइड ग्लैंड जो है उसको इफेक्ट पड़ता है। एंड ट्यूबरक्लोसिस इसमें जो है लंग्स को इफेक्ट पड़ता है। और ये जो है इसमें क्या, अस्थमा अटैक एक्यूट मैनेजमेंट ओसिट, मतलब ये एक ट्रिक है याद करने का कि अगर किसी को अस्थमा का अटैक आया है तो उसका हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ओ मींस ऑक्सीजन एंड यस मींस साल्बुटामॉल एंड एच मींस हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड आई मींस इप्राट्रोपियम एंड टी मतलब होता है थियोफाइलिन जो कि ब्रोंकियोडायलेटर है। और उसके बाद में जो है हम देखेंगे फंक्शन ऑफ किडनी, तो इसको भी हम एक ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। ये वेट बेड, एक गीला बेड, तो ये से हो गया एसिड बेड, एसिड बेस बैलेंस करता है हमारा किडनी। और डब्ल्यू मीन्स क्या हो गया, वाटर रिमूवल का काम करता है। एंड ई से हो गया इरिथ्रोपोइसिस, आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंड टी मतलब क्या है, टॉक्सिन रिमूवल का काम करता है किडनी। एंड बी फार क्या हुआ, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। एंड ई मीन्स हुआ इलेक्ट्रोलाइट भी बैलेंस करता है किडनी। एंड डी मतलब क्या हुआ, विटामिन डी एक्टिवेशन का भी वर्क करता है किडनी। नेक्स्ट वन हम देखेंगे मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन के कुछ साइन एंड सिम्टम जो कि हम एक ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। पल्स, अब पी से हुआ परसिस्टेंट चेस्ट पेन, मतलब कंटिन्यू चेस्ट पेन होगी अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन है। एंड यू से हो गया अपसेट स्टमक, स्टमक भी जो है अपसेट रहेगा और मतलब अच्छे से कोई भी फूड मटेरियल डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। एंड यल फार क्या है, लाइट हेडक, हल्का हल्का सर दर्द रहेगा अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फ्लक्शन है। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी होगी, यस से हो गया शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। और ई से हो गया एक्सेसिव स्वेटिंग, मतलब अगर कोई मायोकार्डियल इन्फ्लक्शन वाला पेशेंट है तो उसको हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसको नाइट में जो है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है और चेस्ट पेन भी होता है। ये मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम है। नेक्स्ट वन है हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया के साइन सिम्टम जो है उसको भी हम एक ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। कैट्स, तो सी से हो गया कन्वल्जन, ये से हो गया एरिथमियास, एंड टी से हो गया टिटेनी, और ये से हो गया स्पास्म एंड स्टेरिडोर, मतलब अगर किसी को हाइपोकैल्सीमिया है, अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी है बॉडी में तो उसकी वजह से क्या होगा, कन्वल्जन होगा और जो मतलब हार्ट की एक रेगुलर रिदम है वो भी इरेगुलर हो जाएगी। और जिसको मतलब कैल्शियम की कमी रहेगी जिसके बॉडी में, उसको टिटेनी मतलब टिटनेस टाइप का कुछ साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा। और स्पास्म स्टेरिडोर होगा, मतलब जो मसल से वो भी क्रैम्प होगी अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी रहेगी तो। और उसके बाद में है कुछ पॉइंट जो कि हमें रिमेंबर में रखना चाहिए, तो इसमें क्या है, लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी वो होता है 120 दिन, ये तो सभी को पता होगा। एंड लाइफ स्पेन ऑफ डब्ल्यूबीसी जो होता है 10-15 डेज। और सबसे बड़ी जो डब्ल्यूबीसी होती है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है मोनोसाइट, और जो स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है वो होती है लिम्फोसाइट। और स्मॉलेस्ट मसल्स जो हमारे बॉडी का वो होता है स्टेपेडियस जो कि ईयर में होती है ये मसल्स। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है 46, और अगर पेयर में देखें तो 23 पेयर। और इंक्रीज आरबीसी काउंट, अगर आरबीसी काउंट अगर बॉडी में बढ़ जाती है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। स्वास्थ्य का जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो फिनिश हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच।